नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सो गाइज यार, आ गए हम एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाली वीडियो में गाइज, जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा उसकी एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये वाला सॉन्ग है ना गाइज, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो आप भी बनाएं और वायरल हो जाएं। तो गाइज यार, इस वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, तो पासवर्ड के लिए आपको वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बस उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोज़ आगे लाते रहेंगे। एंड प्रीव्यू पसंद आए तो प्रीव्यू को लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। सर लाइक और डिसलाइक आप पे हाथों में है, जो मर्जी करके जाओ गाइज यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एडिटिंग बताता हूँ, और एडिटिंग के लिए आपको प्रोजेक्ट वगैरह इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको डाउनलोड लिंक कपे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इसे इंपोर्ट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले फॉन्ट को इंपोर्ट करें, सारे फॉन्ट को लाइट मोशन में इंपोर्ट करें। देन आपको जैसे ही प्रोजेक्ट इंपोर्ट करोगे तो आपको फॉन्ट इशू नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आपको फॉन्ट मिसिंग करके इशू आएगा एक, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देन आपको क्या करना, अपने लाइट मोशन को ओपन करना है, एंड प्लस के राइट से हमें प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना है, एंड पहले आपको बिटमार्क वाला यही मिलेगा, और यहीं पर आपको शेक इफेक्ट वगैरह सारा कुछ एक ही प्रोजेक्ट में दिया हुआ, ठीक है। बस आपको रिप्लेस इमेज करना है इसमें। सो उसके लिए अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो अगर आपको स्ट्रेच वगैरह नहीं होना चाहते, तो इमेज को स्ट्रेच वगैरह नहीं, कोई ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना। और हाँ, आपको क्या करना, प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, एंड 9:16 वाला रेशो लेना, एंड सिंपल से क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना, एंड देन आपको प्लस के ऑप्शन पे टैप करना, मीडिया के ऑप्शन पे टैप करना। एंड देन गाइस यहाँ से क्या करना, जहाँ पे भी आपने जिस भी फोल्डर में इमेज आप डाउनलोड करके रखा उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से स्टेप से जूम भी कर सकते हो गाइस, और थिएटर पे टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया भी कर सकते हो। ये बेसिकली है 9:16 में इमेज को क्रॉप करना होता है, तो आप किसी भी ऐप से कर सकते हो, अलाइट मोशन, पिक्सल ऐप, और भी बहुत सारे क्रॉप इमेज करके मिल जाएंगे ऐप, तो वहां से क्रॉप कर सकते हो। और मैं यहां पे अलाइन मोशन सिखा रहा हूं, सिंपल से स्टेप से जूम कर सकते हैं, एंड देन यहां पे थ्री डॉट है ना, यहां पे टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया भी कर सकते हो। एंड सेव करने के लिए सेटिंग के राइट से मैं सोर्स पे टैप करना, करंट फ्रेम इमेज पीएनजी पे टैप करना, एंड जैसे एक्सपोर्ट पे करोगे गाइस तो यहां पे ये एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। देन सेव पे टैप करना और यहां से क्लोज कर लेना इसको, एंड देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना। और इसी टाइप से आपको क्या करना गाइस, 10 से 12 इमेज को क्रॉप करना, एंड बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट में आ जाना, एंड स्लाइड करके आगे की ओर जाना गाइस। और जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे लेयर्स मिल जाएंगे जिनको रिप्लेस करना इमेज सबके साथ। सो उसके लिए आपको इस वाले पॉइंट पे आना है, जहाँ पे आपका जो पहला यहाँ पे ये स्टेप से लेयर्स देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, इस पर टैप करना है, एंड आपको क्या करना, कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया करके एक ऑप्शन है। सो सिंपल से इस पर टैप करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेंटर लिखा हो, मतलब यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस भी फोल्डर में आपने डाउनलोड करके मतलब क्रॉप करके रखा है। तो यहाँ पे मैं लाइट मोशन से क्रॉप किया था, तो लाइट मोशन का फोल्डर सिलेक्ट किया, एंड देन आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, और देन प्लस के ऑप्शन पे टैप कर देना, और ये स्टेप से आ जाएगा। देन अगले वाले इमेज पे जाना, और लेयर पे जाना, इस पे टैप करना, कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाना, सिलेक्ट मीडिया पे टैप करना, और यहाँ से अगले इमेज को सिलेक्ट करना। इसी टाइप से आपको गाइज लास्ट तक सभी इमेज सबको रिप्लेस करना, और रिप्लेस करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको लाइरिक्स में इमोजी वगैरह चेंज करना
सो उसके लिए मैं बता देता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर रिप्लेस करने का बताता हूँ तरीका। सो देख सकते गाइस सिंपल सा है, आपको इससे लेयर पे टैप करना, कलर फिल के ऑप्शन में सेलेक्ट मीडिया पे टैप करना या स्टार वाला आइकन पे, और यहाँ से अगले इमेज को सिलेक्ट करना। सिंपल से आपको अगर लेयर पे टैप करना, कलर फिल के ऑप्शन में सेलेक्ट मीडिया का ऑप्शन है या स्टार वाला आइकन है, इस पर भी टैप कर सकते हो। तो यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना देन प्लस के ऑप्शन पे, और इसी टाइप से आपको रिप्लेस करते जाना। एंड देन गाइस आपको लाइक्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई चेंज वगैरह करते हैं फॉन्ट वगैरह, तो उसके लिए आपको ग्रुप वन करके मिला हुआ तो उस पर टैप करना, एडिट ग्रुप में जाना और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है लेयर्स। तो यहाँ पे कलर वगैरह सबको एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन गाइस यहाँ पे इमोजी की बात आती है, तो ये मैंने जो है फॉन्ट से लिया हुआ है, तो ईजिली से आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर से करके ईजिली से आप कोई सा भी रख सकते हो, देख सकते हो, ठीक कोई सा भी रख सकते हो। एंड देन गाइस यहाँ पे जो बीच में दो इमेज हैं, तो उनके लिए मैं डाउनलोड कहाँ से किया, तो ये क्रोम से किया हुआ, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डाउनलोड पेज पे, तो ईजिली से जाके कर सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको इमोजी करके, और ये वाला तो आपको पता ही है, ये वाला फॉन्ट से दिया हो, ठीक है। देन गाइस इसी टाइप से आपको वीडियो को बना लेना, होप समझ आ गया होगा। और यहाँ पे गाइस सीसी वगैरह लगा हुआ, तो अगर इसको नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आओगे तो ये सारे सीसी है, ठीक है। तो इसको आप क्या करना, इस स्टेप से इसको मतलब कि यहाँ आई वाला ऑप्शन पे अनचेक कर देना, और ये स्टेप से हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो पहले जैसे हो गया, कलर वगैरह सब कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और फोटो पे भी सीसी आपको दिया हुआ तो आप इजिली से लगा लोगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में रखा हो, तो यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, दो लेयर्स मिल जाएंगे सीसी वन सीसी टू करके, तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बाद में आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएगा आपके, ठीक है। देन गाइस आपको एक्सपोर्ट करना, सो उसके लिए आपको सेटिंग पे टैप करना, फ्रेम रेट को देख सकते हो 30 है, यहाँ पे 60 करें, एंड सेटिंग के रहे मैं उस पर टैप करना, वीडियो पे टैप करना, एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो यहाँ क्या एनी स्टेप से आ रहा है, ये मीडिया को रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं बाद में करूँगा। एंड एक्सपोर्ट एनी वे पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये जो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस कुछ इस से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें, बना लें, कैसे लगे इसकी वीडियो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें गाइस। सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।